हाय गाइस, तो स्वागत है आपका सीओसी के और एक अमेजिंग एपिसोड में। और आज हम बहुत दिनों के बाद में हम अपने TS9 के अकाउंट पे आ चुके हैं और आज हम करेंगे अपना 5th मिल्डर अनलॉक। आप देख ही सकते हैं हमारे जेम्स 2000 के ऊपर हो चुके हैं और मेरे को स्किन लेना है कि नहीं ये मैं सोच रहा था, पर मैं बोला क्यों स्किन, आर्चर क्वीन का ये ऑटम स्किन मेरे को बहुत पसंद आया तो मैं बोल रहा था ये, पर मैंने बहुत कंट्रोल किया ये ले लेता नहीं तो मैं पागल हूँ। और ये क्वीन को हमने लेवल 16 के लिए डाल दिया, किंग हमारा लेवल 12 का हो चुका है, किंग को भी अपग्रेड करना है। पर अभी CW आ रहे, CWL में अगर मेरा ये सेकंड अकाउंट लेता है लीडर तो ठीक है, नहीं तो हम फर्स्ट अकाउंट से ही करेंगे अपना CWL। और अभी हमको 5th बिल्डर अनलॉक करना है तो पहले हम जाते हैं रिसोर्स में, और रिसोर्स में 5th बिल्डर 2000 जेम्स डाल के हम लेंगे। किधर लगाए हम, इधर लगा देते हैं। ये हमने कर दिया बिल्डर हॉल्स, मतलब बिल्डर सेट, बिल्डर हट क्या बोल रहा हूँ मैं। और हमको कुछ तो लगाना है, स्केलेटन ट्रैप एक दिन नहीं चाहिए, और क्या है एयर बॉम्ब एक दिन, अरे भाई और क्या है स्प्रिंग ट्रैप, चलो 2 दिन के लिए डाल देते स्प्रिंग ट्रैप को और अपना बूस्ट कर लेते हैं बिल्डर को। बिल्डर जाएगा बूस्ट के ऊपर और हमारे पास अभी मैजिक आइटम्स में बहुत कुछ है, पर हमारा विजार्ड्स अभी अपग्रेड के ऊपर है तो थोड़े दिन में मैं विजार्ड जब होगा पूरा कंप्लीट तो बेबी ड्रैगन नहीं तो लून दोनों में से एक को मैं अपग्रेड करके फिर बुक से फिनिश करूँगा और फिर मैं अपने जैप स्प्रेल को अपग्रेड करूँगा। जैप स्प्रेल बहुत फ़ायदे में आता है और विचेस को भी हमको अपग्रेड करना है पर उतना डार्क एलेक्सर नहीं है। और तो अभी क्या करें, अभी चलो एक अटैक करके आते हैं लेवल 2 की वैल्करीज के साथ में। तो लूट हमें मिल चुका है पर ये बेस 3 स्टार तो बिल्कुल नहीं हो सकता हमारे पास से, तो TS10 है वो, तो इधर हम कर देते हैं अपने पेकाज को, एक पेका इधर एक पेका इधर, इधर थोड़े विजार्ड्स, इधर थोड़े विजार्ड्स और इधर एक आर्चर, आर्चर का कुछ भी काम नहीं रहता है इधर। और अपना किंग को ड्रॉप करेंगे, अपने वैल्करीज को ड्रॉप करेंगे, अपना सीसी को ड्रॉप कर देंगे और जैसे ही वॉल टूटेगी हम विजार्ड्स थोड़े और ड्रॉप कर देते हैं सारे के सारे विजार्ड्स। और इधर हमको एक हीलिंग और रेस स्पेल ड्रॉप करना है तो रेस स्पेल भी ड्रॉप कर देते हैं। भाई वैल्करीज की हेल्थ पूरी जा रही है, फ्री स्पेल कर देते हैं मल्टी इन्फर्नोस को, क्योंकि लेवल 2 के वैल्करीज है मेरे पास, लेवल 4 के वैल्करीज हुई नहीं है हमारे पास अभी तक, और लेवल 5 के ही विजार्ड्स हैं हमारे पास। विजार्ड तो अपग्रेड हो रहा है अभी लैब में और वैल्करीज को मैं अपग्रेड नहीं करूँगा शायद से, ये इवेंट आया था ना ब्लैक फ्राइडे का इसलिए मैंने वैल्करीज को कुक किया था। थोड़ा सा मैं डार्क फार्म कर रहा हूँ उनसे, बहुत कम डार्क एलेक्सर लगता है और अभी 22 घंटे में कुछ ख़त्म हो जाएगा ये डार्क फ्राइडे का इवेंट, और डार्क नहीं सॉरी ब्लैक फ्राइडे का। तो ये अटैक हमारा 60% हो चुका है और हमारे 2 पेकाज और 2 विजार्ड्स बचे हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और जितना लूट निकल सकता है उतना निकालेंगे हम। और अभी थोड़ा सा ही ये क्लाइन क्रिस्टल फूट जाए तो लूट आ जाएगा हमारे पास थोड़ा, तो क्लाइन क्रिस्टल फूट जाएगा क्योंकि विजार्ड्स है उधर। और ये पिक्का आखिरी मर गया, वो भी क्लाइन क्रिस्टल में से डार्क एलेक्सर भी निकल चुका है और थोड़ा सा एलेक्सर। और तो ये अटैक हमारा 73% उसका लगा। तो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट्स में बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ओके बाय।